नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। अगर आप भी देश के जवानों को और देश के किसानों को दिल से पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें इस वीडियो में हम गेहूं के भाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। इस समय गेहूं के भाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आपको पता होगा सरकार ने गेहूं की जो कीमत है 2023-24 MSP 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है, लेकिन किसान और विपक्ष इस भाव से खुश नहीं है। वजह आज से 2 से 3 महीने पहले गेहूं 3000 के ऊपर बिक गया था, जिससे देश के सभी किसानों को यह उम्मीद थी कि इस बार गेहूं का जो भाव है अच्छा रहेगा। विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हर जगह मंच से किसानों को गेहूं का भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल दिलवाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ ही कुणाल चौधरी भी इस मुद्दे को जमकर भुना रहे हैं। विपक्ष के यहाँ 2 सक्रिय नेता किसान परिवार से आते हैं और गांव-गांव जाकर किसानों के बीच में सभा कर रहे हैं। इसी बीच वर्तमान सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि गेहूं का भाव बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। आगे कृषि मंत्री जी यह भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार किसान हितैषी है, आने वाले समय में गेहूं को लेकर ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है जिससे किसानों को भरपूर फायदा देखने को मिलेगा। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम बखूबी कर रही है। पहले भी 2018 में किसानों को भड़काया था और किसानों के साथ कर्ज माफ़ी के नाम पर धोखा कर गई। किसान भाइयों, आप कमेंट करके बताइए गेहूं का भाव बढ़ना चाहिए नहीं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।